अलगम एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड प्रेजेंटेड बाई सेल्स फ्रो आई एम यूर होस्ट अदील अजहर और आज की अपनी पॉडकास्ट में हम बहुत जबरदस्त डिस्कशन करने वाले हैं वीव गॉट टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट वेरी अमेजिंग इंडिविजुअल्स अपनी फील्ड के मैं कहूँगा के उस्तादों में से हैं uh, लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंट है हमारी पिछली एपिसोड के मुकाबले में वो ये कि पिछली एपिसोड में वी टॉक्ट अबाउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री आज हम इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे एंड लुकिंग एट द प्रोफाइल ऑफ आर गेस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज विल टॉक अबाउट आर कंट्री विल टॉक अबाउट पाकिस्तान विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए वेर आर वी राइट नाउ उनके अपने स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या हैं एंड वॉट इज़ द वे फॉर्वर्ड फॉर द कंट्री सो मेरा जो ये बहुत ही डिस्टिंगश्ड आज पैनल मेरे साथ मौजूद है मैं उनका तारफ़ आप से करवाता हूँ मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं आसिफ पीर हु इज़ द सी ई ओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सिस्टम्स लिमिटेड और उनके साथ बैठे हुए हैं आमिर पराचा हु इज़ द चेयरमैन एंड सी ई यूनिवर पाकिस्तान अगर इवन फ्रॉम पाकिस्तानी स्टैंडर्ड वी आर गोइंग थ्रू सम वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स यानी वो कहते ना कि दर इज़ नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान बल्कि वो अक्सर मजाक में कहा जाता है कि हर वक्त ये मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा होता है आजकल नज़ाकत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है अब इन हालात में जहाँ पे चाहे पोलिटिकल अनसर्टिनिटी अपनी जगह इकोनॉमिक अनसर्टिटीज अपनी जगह रुपया आज क्या होगा कल क्या होगा वी डोट नो अबाउट डेट वॉट रोल यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर यूनिवर की बात करें एंड इंडिविजुअली कैन वी प्ले इन दैट सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से पहले कॉन्टेक्स्ट को देखना ज़रूरी है जे. मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम से गुजर रही है इस वक्त uh, स, खाली पाकिस्तान देखें right. आप वेस्ट को देख लें hmm. जो वेस्ट में हो रहा है आप मिडल ईस्ट देख लें आप यूरोप के अंदर देख लें ठीक है रिसेंटली uh, जो यूक्रेन uh, और रशिया uh, सारा जो क्राइसिस की वजह से क्रिएट हुआ हुआ है उससे कुछ अर्सा पहले ही कोविड जो चल रहा था तो पूरी दुनिया एक स्पिन के अंदर है या। और पाकिस्तान हमेशा मुश्किल हालात में रहा ही है right. आ, दुनिया को अगर देखें उसके अंदर पाकिस्तान ज़्यादा रिलेटिवली मुश्किल हालात के अंदर आ गया है तो मेरे ख्याल में खाली पाकिस्तान ही जनरली क्योंकि अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स जो है वो क्योंकि बहुत ही एक फ्लक्स के अंदर है उसकी वजह से हमें एक ज़्यादा फ्लक्स महसूस हो रहा है और आपने जिस तरह जिक्र किया आप सही कह रहे हैं कि हम हर एतबार से इकनॉमिकली पोलिटिकली सोशली और अब क्लाइमेटिकली भी ठीक है, है? है? Uh, एक कॉन्फ्लुस हम देख रहे हैं तमाम चीज़ों का एक साथ होना uh, देखिए पाकिस्तान आई थिंक सो वी आर यूज टू गेटिंग इनकाउंटरिंग दिस काइंड पास वेल नेचुरिटीज़ होती रही या वॉर ऑन टेरर होता रहा एज ए नेशन काफ़ी रिजिलियंट नेशन है right. और हम लोगों ने हमेशा इसको नेविगेट किया है बट इस दफा मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा है कि जो हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं mm -hmm. क्योंकि मेरे ख्याल में पहले ग्लोबल जो है कुछ ना कोई आपको कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाती थी तीन, ग्लोग तीन, ग्लोग थी ठीक है वो वहाँ भी हेडमेंट हैं ठीक है और यहाँ भी अब आपको हेडमेंट मिल रही है मेरे mm ख्याल -hmm. uh, में, में जो चीज एक इम्पॉर्टेंट है एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज एन इंडिविजुअल और एज अ पाकिस्तानी मेरे ख्याल में हमने पॉजिटिविटी को जो है ना वो मेनटेन करना है राइट बिकॉज ऐसे हालात में होता है अब जहाँ भी बैठे हैं तो हर चीज़ नेगेटिव होती है ठीक है हर चीज जो है उसका एक वो अक्स देखा जाता है जो कि बज़ाहिर लोगों को एक पेसमिज्म की तरफ लेकर जाता है right. मेरे ख्याल में इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो है ना ग्लास हाफ फुल देखना है जिस mm -hmm. mm -hmm. yeah. sure तरह पहले भी हम लोग लोगों ने इन हालात को नेविगेट किया है इन शाला इन हालात को भी नेविगेट कर लेंगे mm -hmm. uh, मायूस नहीं होना और होपलेस नहीं होना इन शॉर्ट मेरे ख्याल में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तान अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी आई मीन हाउ इजी इट इज बिकॉज देखिए इन हालात में पॉजिटिव रहना इट्स एन एवरी डे स्ट्रगल मोमेंट आप टी वी चलाते हैं बहुत से लोगों टी वी देखना बंद कर देवे फिफ्टी एट परसेंट सेट देजन एनी मोर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉजिटिविटी हाउ ड यू मेनटेन दैट देखिए मेरे ख्याल में ये चैलेंजिंग uh, है ठीक है बट पॉसिबल uh, है hmm -hmm. Uh, Uh, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बाहिर तो हम एक मल्टानेशनल हैं ठीक है बट हम उतने ही पुरानी ही कंपनियाँ जितना पा पुराना पाकिस्तान है ठीक है 1947 के अंदर पाकिस्तान आया 1948 के अंदर यूनिलीवर आई तो आज पचहत्तर साल के अंदर पाकिस्तान ने अगर अपस एंड डाउन देखें तो वो सारे अपड डाउन यूनिलीवर ने भी देखे राइट right. ठीक है तो कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि हम एज आउटसाइडर हम कह रहे हैं कि हाँ यार हम लोग गुजार लेंगे मामला uh, मेरे ख्याल में ऐसे हालात के अंदर जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का और आपके ऑर्गेनाइजेशन का लार्जर पर्पस क्या है या hmm. yeah. आपका एक मकसद क्या है yeah. वो होना ज़रूरी है अगर कोई मकसद नहीं है और कोई लार्जर पर्पस नहीं है और कोई कलेक्टिविज्म नहीं है तो फिर जो ये मायूसी आपको घेर लेगी और आप इससे नहीं निकल सकेंगे और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर कोई लार्जर पर्पज़ है ठीक है तो फिर मेरे ख्याल में इससे भी अगर मुश्किल हालात आ जाएंगे hmm. तो एज इंडिविजुअल नेविगेट कर लेंगे right. और दुनिया में ऐसी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स भी मौजूद है और हमारी अपनी हिस्ट्री ठीक hmm. है इस चीज की गवाह है कि इससे ज्यादा कहीं मुश्किल हालात है ठीक है आप प्री पार्टीशन देख लें right. इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हालात थे right. और हम लोगों ने नेविगेट किए एज अ सब कॉन्टिनेंट और मेरे ख्याल में इसको भी कर लेंगे बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका लार्जर पर्पज़ क्या है अगर right. आपका पर्पज लार्ज नहीं है आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के ऊपर चल रहे हैं आपका कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है उसके ऊपर आप बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है आपका कलेक्टिविज्म के ऊपर अगर नहीं उसके ऊपर है तो देन इट्स वेरी टफ एबसल्यूटली आसिफ मैं आप पे आता हूँ uh, हम बात करें सिस्टम इज अज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरी लाइक एक पाकिस्तानी कंपनी Uh, didn't start that big. Typical, jo ek start. Hota hai, karte, karte, I, was, I was going through your financial number system. Ke, and the sort of growth. I mean, I think with 3.4 billion ke revenue sort ke ab 12 billion ke last year. Aapne close kiya. Uh, do, you, do you share that sentiment that yes, the headwinds are there, domestic bhi hai, international bhi hai, But the system ki story hai. That's going to continue the way it is. Uh, just as Amir ne I think uh, we believe in the deep purpose, right? Mm -hmm. So it's a it's a purpose-driven organization that where we want to create impact, right? right. And uh, of course, uh, what I believe is that once you have a deep purpose and mm -hmm. when you have an impact, then the byproduct, the profit, revenues, growth, everything comes. It's 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 natural. So, what do we want to create? We wanted to create like of course, one Pakistani company mm -hmm. uh, who are known globally uh, because from a global system integration integrator perspective, and we want to make a name and we want to create jobs in Pakistan, right uh, generate employment. and of course, our focus was that how we can if we want to be global, then we have to be exporting a lot of IT services, yes. products, solutions, innovation, whatever we need to do we focus on global whatever we do even locally our thought process is that can it be transferred to or can we sell it or can we make a story uh, globally so because you know exports are very important for our yeah. country and services exports which yield almost 100% uh, to the bottom line not like the traditional exports yeah, like where products, the yeah. are, like input is 70% yeah, right. imported right so here is uh, everything is uh, 98 percent or 99 percent, only laptop you need nowadays, and you can even physically, uh, post COVID, you don't even physical space that much, right? So, that was a deep purpose, and that that's really connected all of us very well, right. and uh, and what Ahmed just said that that brings a positivity. Every morning, mm -hmm. you wake up, no matter what is happening in the country, what is happening in the surrounding, you just uh, keep working towards your goals, and purpose drives that, right? So. That you get the drive and the momentum and the energy that we need to do something, right? Mm -hmm. So, and there is Pakistan has a lot of opportunity. It's unbelievable opportunity, uh, as Ahmed was saying. Optimism and positivity is the key, but it's an unbelievable op opportunity. Why I say that, right? You, you must have heard hundreds and millions of times that we are young population and. 70% yeah. is this, an age bracket, the and all of demographic, demographic, <laughs> demographic differentiator. But only thing, we are not utilizing that right. demographic differentiator. Like, if you even know, like, uh, population, we are the fifth largest, sabko pata hai. but uska jo potential, hai, jo GDP of top 10 countries or top 5 countries, they contribute 45% of the world GDP. In population, right? What Pakistan contributes only 0.4 percent. So you can imagine, like top four mm. large population countries contribute more than 44%, okay. 44 percent, 44.5 percent, and we just contribute a little bit. So what kind of potential we are setting? Uh, and with IT, especially an IT-enabled service, it's just not IT. Oh, really? uh, like, if you can take an example of, uh, I can give you an example of uh, Philippine, right? Mm -hmm. They didn't go to IT. They just said that we will specialize in voice. Mm. We'll just do voice, right. starting with, and they became the largest. They beat in India yeah. or anyone in the voice, right? They their BPO contributes nine percent of GDP for. Just BPO, right? right? And what even we do is 1.2 percent of mm -hmm. GDP from IT-enabled services. Oh, wow. So it's a huge contrast, right? Yeah. So even you name it, Indonesia, you name China, you mm -hmm. name it uh, anyone other than even Indian nations, yeah. right? They all contribute seven to eight percent of GDP comes from IT and IT-enabled services, True. right? So we we have even if we double, right, from mm -hmm. one to two okay. percent, it's a huge impact, right? Okay. So I see a real opportunity mm -hmm. for Pakistan, and as uh, the situation has changed post COVID, uh, the cost structure has changed for the various countries like Eastern Europe. Yeah. Uh, the cost structure, the salary structure have changed. Uh, our neighboring country salary structure has changed mm -hmm. as well. Pakistan is still at a huge cost advantage. Huge. We have a good communication skills. If we train mm -hmm. people, only thing that we need to do in Pakistan is. We really need to have a positive branding and everyone needs to sell. Like economic narrative is very important for our country. We just have to have an economic narrative which says that why Pakistan? Why Pakistan in IT? Why MNCs should come and invest. What their success stories, how much money they have made, whatever, right? Mm -hmm. And what kind of an impact they have created? And, and I think, I think, Asif, just a very big issue here is that we Pakistanis, if we talk about youth, کریں, uh, we are not even aware of our success stories. If you see, in Pakistan, sometimes a case study or uh, demographic uh, dividend. Amir, we were talking about. So uh, yes, it is there out there. Do you really think that uh, we have been able to? Uh, टेक एडवांटेज ऑफ दैट में अगर चले आपकी कंपनी की बात करता हूँ देर इज अ टैलेंट दट नीलीवर अट्रैक्ट आई मीन मुझे याद है अपने आई बी ए के जमाने का टाइम इट वॉज लाइक द इम्प्लायर ऑफ द चॉइस यार ये तीन कंपनियां इनमें से किसी एक में जागे ना बस नौकरी मिल जाए और जिंदगी सेट है मुझे तीनों में से कहीं नहीं मिली वैसे सो so, <laughs> <laughs> कहने का so, मतलब ये हाउ डू हाउ डूज ऑफ दिस टैलेंट दैट इज कमिंग टू यूर इज आर टैलेंट नंबर वन कंपेरेबल टू वर्ल्ड का जो हराइजन है वो ग्लोबल सो पहला मैं ये जानना चाहूंगा कि कैन वी बी कम्पेयर टू दर्ल्ड एज फार एज आर न्यू टैलेंट इज कंसर्न सो देखें हमारा जो टैलेंट है अगेन वेरी नेशन वेरी सेलेक्टेड इज एप्स नॉट ओनली कंपेरेबल टीक है बिकॉज हमारा आज भी टैलेंट यूनिलो ऑपरेट करती है एक सौ अस्सी ममालिक आज हमारा टैलेंट प्रैक्टिकली हर कंट्री के अंदर बैठा हुआ होगा काम right. कर रहा होगा यूके के अंदर यूएस के अंदर और उसकी ब्यूटी ये है कि हमारा टैलेंट पाकिस्तानी टैलेंट एक्ट्स लाइक ए मैगनेट सो वन दे गो देयर एन एवर अदर पीपल गेट टू सी दर वर्क और टैलेंट अट्रैक्ट होता है पाकिस्तान yeah, right. से तो मेरे ख्याल में जो आ, एक टैलेंट जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ा हुआ है ठीक है या उसकी अच्छी बैकग्राउंड है hmm. आ, उसकी फाउंडेशन अच्छी है वो तो बहुत फ्लरिश करता है बट वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज वो नीच है मेरे ख्याल में अगर आप मासेस की बात करें तो मासेस जो है ना अनफॉर्चुनेटली उनको अपॉरचुनिटीज नहीं दी गई हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो इंक्लूसिव नहीं है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है ठीक है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी जाहिर बात है उसी एतबार से इंक्लूसिव नहीं है बहुत ही एक्सक्लूसिव है ठीक है हमारे आ, तो हमारा जो टैलेंट है वो अनफॉर्चुनेटली हम डेवलप नहीं कर पाए जो डिवेलप हो गया वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है See. जो डेवलप नहीं हुआ उसको हम नहीं बट एक चीज बड़ा क्लियर है कि अगर हम उस टैलेंट के अंदर हम इन्वेस्ट करें hmm. तो क्लियरली दे आर दे हैव द पोटेंशियल टू प्रूव देर वर्थ एंड आई थिंक सो दैट्स मोर क्रिटिकल क्या आपके पास रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल हमारे पास है ठीक है बट क्या हमारे पास फिनिश मटेरियल है हुँ. हमारे पास फिनिश मटेरियल उतना नहीं है बट क्या इस रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिनिश मटेरियल के अंदर एब्सोल्युटली यस बिल्कुल सो आसिफ अब अगर मैं देखें हमने बात की आ, आमिर कहते हैं कि जी एक नीच है सर्टन और वो यूनिलीवर अट्रैक्ट कर रही है और वो, वो वर्ल्ड क्लास टैलेंट है जो कि दुनिया में कहीं भी जाके फिट हो जाता है वट अबाउट योर बिकॉज आपके पास जाहिर है ये यू ऑपरेट इंटरनेशनली एज वेल बट

अगर वो अच्छी टॉप टीयर वन यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं तो वो तीन से छः महीने के अंदर सीख जाते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दे दे स्टार्ट परफॉर्मिंग राइट बट इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम टीयर टू एंड टीयर थ्री दे टेक लॉन्गर एंड समाइम्स वोट आई वुड से टीयर थ्री वालों को जॉब्स ही नहीं मिलती तो जो आमिर ने कहा ना कि वो रॉ टैलेंट वो रॉ ही रह जाता है ग्रेजुएट होने के बाद उसको कोई अब स्किल री करने के लिए तैयार नहीं है एंड स्टैटिस्टिकली लाइक नंबर्स डोंट लाई राइट इफ़ यू लुक एट एच ई सी एन पी सैफ और पाच ओर एवर जैसे कि थर्टी थाउजेंड आई टी ग्रेजुएट्स एवरी ईयर है बट इंडस्ट्री में जो आते हैं वो पाँच हज़ार से ज़्यादा नहीं होते अच्छे mm -hmm. जो मटेरियल वन टू जो एक्सेप्टेबल जो एक्सपोर्टेबल यू हायर फॉर द फ्यूचर राइट तो वो नहीं होते तो अब बाकी बीस हज़ार या पच्चीस हज़ार जो भी नंबर हो उसको कौन देख रहा है दिस इज़ वॉट द डायलिमा वी हैव कि उसको हमने अगर अगर वाकई पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और आईटी और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप जो भी कल्चर आपने करना है तो उस पर आपको यूथ पे फोकस करना है right. चाहे वो बीस हो के पच्चीस हज़ार हो वो नंबर hmm. वीकेंड इसके नीचे नहीं हो सकता इतना मुझे पता है कि दस हज़ार ज़्यादा अच्छा बंदा इंडस्ट्री में आता ही नहीं है ठीक है तो वो बीस बच्चे ग्रेजुएट्स होते हैं hmm. आई टी क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का एक रूल है अगर एक्सपोर्ट करनी है प्योर सर्विस इंडस्ट्री सो फॉर एवरी बिलियन डॉलर ऑफ एक्सपोर्ट you need about 30 to 35,000 software engineers. Right. So it means if you're adding 30,000, it means we are approximately, after two to three years of experience, mm -hmm. they will add a billion dollars to export, right? Okay. That's a very clear number, right? The second thing you talked about is very interesting. That too, again, if you take the data of the industry, they say that there are 6 lakh IT people in this country. Right. Okay. Okay? Now, if you do any math, ठीक है मैं कह रहा हूँ कि हंड्रेड परसेंट हम तो करते हैं कि तीस हज़ार एक बिलियन डॉलर के लिए आपको आ, एक लाख बच्चे चाहिए ठीक है सॉरी थर्टी थ्री थाउजेंड सो तो इन इन थ्री बिलियन इज हंड्रेड थाउजेंड सो अगर वो सिक्सटीन okay. है तो एटीन बिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए सो so, वो उसको हाफ डिस्काउंट कर लें उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट भी कर लें right. तो अभी कोई नंबर नहीं मैच होता तो इसका मसला ये है कि जो आमिर ने एग्जैक्टली exactly कहा ना कि वो सारा रॉ मटेरियल है फ्री अपने आप को आप जिसको फ्री कहते हैं ना वो दो डॉलर एन आवर पे काम कर रहे हैं तीन डॉलर एन आवर पे काम कर रहे हैं वो कंटेंट राइटर हैं वो असल में हम कंफ्यूज करते हैं डेटा को वो आईटी का, का काम नहीं कर रहे क्योंकि आईटी का जो डेवलपर है दो तीन डॉलर में नहीं काम करता पर आवर्स वो पंद्रह बीस डॉलर से नीचे नहीं काम करता तो वो बंदों को अगर आप उसको फर्श करें वो दो तीन डॉलर का ही काम कर रहे हैं उनको हम पाँच डॉलर पे ले जाएं जो पाँच डॉलर वाला काम करते हैं उनको आठ डॉलर पे ले जाएं जो आठ वाला है उसको दस पे ले जाएं तो हर किसी को अगर आप अपस्किल रीस्किल करें ना तो जो कहते हैं ना एक्सपोर्ट का नंबर पाकिस्तान में ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो सकता है लेकिन उसके लिए बड़ा टारगेटेड डेटा ओरिएंटेड अप्रोच के साथ उन बंदों पे जाके किसी ने मेहनत करनी है और मेगा स्केल पे करनी है आपको मैंने आपको बता दिया ना कि अगर आपका लाख बंदा ऐड हो रहा है तो आप सॉरी थर्टी थाउजेंड से तो आप एक बिलियन भी पूरा नहीं करते right. तो आपको वो छः लाख कहीं ढूंढने हैं hmm. उसमें से तीन लाख भी ठीक हो तो उन पे मेहनत करनी है बिल्कुल ऐसी है so, और दैट्स दैट्स वेरी वो जो वो जो वो जो वैल्यू एडिशन का कांसेप्ट होता है जनरली हम टेक्सटाइल्स की बात करते हैं आ, वैसे ये भी बड़ा मजेदार एक आर्गुमेंट होता है कि जितना प्यार मोहब्बत हुकूमत जो आ,

मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए मैं हम लोग अपने बहुत सारे प्रोग्राम हमने चलाए आई टी मुस्तबल टू right. रिसोर्स डेवलपमेंट इनिश तो हम अपने लेवल पे तो गवर्नमेंट के साथ नहीं खुद अच्छा, अपनी अच्छा, इन्वेस्टमेंट करके हज़ार लोग तो हम ट्रेन कर लेंगे साल में बट हर कम ये लोग सेल्स फ्लो जिस तरह ये सौ दो अपने हिसाब से कर लेंगे बट जो छह लाख बंदा है वो कोई भी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता नहीं कर सकता a... has to partner, हो सकती है right. बट खाली प्राइवेट कोई भी नहीं इस इनिशिएटिव को जाएगा पैसे लगाएगा कहां से करेगा उसकी रीच ही नहीं होगी सो uh, so, वैसे मुझे एक बताइए अब जरा एक तब्दीली आ गई है बीस साल के मुकाबले में जरा बच्चों में ना स्टार्टअप ऑनटरप्रनोरशिप एंड सारी बातें मुझे याद है हमारी यूनिवर्सिटी में कोर्स बाकायदा पढ़ाया जाता था थार के भाई बनो नौकरियों से बाहर भी देखो डू यू रियली थिंक आर स्टिल द द फर्स्ट चॉइस ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज कुछ फर्क पड़ा है क्या पिछले कुछ सालों में फर्क पड़ा पड़ा और बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में ख्याल में आ, हम जब ग्रेजुएट कर रहे थे तो हम यही कहते थे पाँच छः ब्लूचिप कंपनीज है इनमें काम करना है मेरे ख्याल में इस वक्त जो एक फ्रेश ग्रैड है उसके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं वो मल्टा से काम कर सकता है लोकल ऑर्गेनाइजेशन yeah. मेरे ख्याल में उनका स्टैचर बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है no ठीक है और दे आर एज गुड एक्चुअली लाइक मल्टा उसके बाद आपके पास स्टार्टअप uh, कल्चर uh, बहुत अच्छा आया है Absolutely. ठीक है ऑन्टरप्रनोरशिप का बहुत अच्छा कल्चर आया है तो मेरे ख्याल में आज यंगस्टर्स के पास जो है ना बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं एज कम्पेयर टू जब हम ग्रेजुएट किए थे आज से जो है ना तकरीबन कुछ पच्चीस साल पहले right. तो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग फॉर द कंट्री इट्स वेरी रिफ्रेशिंग फॉर द यूथ Yeah, mm. Uh, because it gives them a lot more opportunities, uh, and they are not boxed into only working for a बेल्कुंण multinational, बेल्कुंण। जो के handful हैं. तो right. मैं खाली एक बहुत अच्छी एक uh, uh, चीज और मैं खाली मैं just building on what Asif has said. Pakistan का सबसे बड़ा problem यह है कि Pakistan is a consumption-led economy, right? Predominantly, ठीक है. Pakistan is not an export-led economy. आज Pakistan का सबसे बड़ा problem है balance of payment. और बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम यही है कि हम ज़्यादा डॉलर इम्पोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू हम एक्सपोर्ट करते हैं और अगर बाकी मुल्कों से हम कंपेयर करें कैनेडा को ले लें आप मिडिल को देख लें वो लोगों को इम्पोर्ट कर रहे थे मगर उनके पास लोग नहीं है काम करने के लिए आज हमारे पास माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं और रुक के नहीं दे रहे और हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और मेरे ख्याल में आईटी की ब्यूटी क्या है कि विदाउट एनी कैपिटल

आई आईटी के लोग चाहिए, चाहिए। जिस तरह बात किया हम हमेशा ग्लोबली ये फिगर कोट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान चौथा बड़ा फ्री लांसिंग, फ्री लांसिंग है वो प्रैक्टिकली बहुत या तो कंटेंट है, है, राइटर हैं हैं वो बेसिक कोडर्स है हमारे पास जो है ना हाई क्वालिटी तो काम हो ही नहीं रहा आई के अंदर ब्लॉक के अंदर हो गया या ए के अंदर हो गया हमारे पास डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर तो है ही नहीं हमारे पास हमारे पास मैटर में तो कोई काम ही नहीं हो रहा आज दुनिया क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर निकल गई है हमारे यहाँ पे डेटा स्टोरेज की तो कैपेबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर्स का तो यानी वन परसेंट पेनट्रेशन है जो की

they do but uh, it's 80-20 rule right okay. so it, not everybody wants majority to it. majority, majority, to be majority be hai hai job. hain abhi exal gap masters job pitrafi taraf hi ek start up to right everybody knows that so most of the kids are still joining the workforce mm -hmm. in the industry right they work for a startup that is different ball game right mm -hmm. uh, they work for companies like us uh, and they are they are coming in con like in uh, quantity and achi quality as i said tier tier one ke is, not, is not bad right, right. trainable uh, i think it's all about attitude to be mm. honest like if if attitude is good like of learning then i think uh, uh, training is not an issue is because good. they come up with a foundation I think, we come back to, वो जो bigger purpose वाली बात थी ना मेरे ख़्याल से काश कोई विजनरी दुआ करते हैं यहाँ पे भी कोई विजनरी आए जो जो में लेके मैं वैसे I'll, I'll come to the role of government. Uh, ये बड़ा important point है आमिर uh, हम बात करते हैं लाइक आपके साथ है सिस्टम्स के सी बैठे हुए बिग पाकिस्तानी ट्रांसफॉर्मेशन है इज दैट ड्रिवन बाई द रीजन और आप कोई कोई डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर होती है Unilever में टेल अबाउट योर जर्नी एंड एक्सपीरियंस देखें आ, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जारी बात है ग्लोबल कंपनी है तो हमें बेस्ट प्रैक्टिस मुख्तलिफ ममालिक मिलती हैं डेवलपमेंट सेंटर है हमारा लंडन के अंदर वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही होती है अ, मगर मेरे ख्याल में जो डिजिटल ट्रांसफार्मेशन के अंदर हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले तीन से पाँच साल के दरम्यान जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो है माइंड सेट इट्स नॉट द टूल इट्स द माइंड सेट बिकॉज यूनिलीवर इज नॉट अ डिजिटल नेटिव वी आर डिजिटल इमिग्रेंट इट्स अ थर्टी ओल्ड कंपनी एटीन हंड्रेड एटी नाइन की कंपनी है हम इसको लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एज कम्पेयर टू सिस्टम ये तो पूरी डिजिटल okay. ऑर्गेनाइजेशन ही इसकी तो डिफॉल्ट मोड ही डिजिटल है राइट हमारा डिफॉल्ट मोड डिजिटल ना कभी था और अब हम कोशिश करें कि अपना डिफॉल्ट मोड चेंज करें तो आपने एक 130 तीस साल ऑर्गेनाइजेशन को अब आपने ट्रांसफॉर्म करना है इट्स लाइक टर्निंग एन 18 व्हील ठीक है और आपको ख्याल करना है कि इतनी तेजी में ना टर्न कर लूँ कि ये कर जाए True. तो इसके अंदर ह्यूमन माइंडसेट बड़ा मैटर करता है बिकॉज वो चेंज को रिजिस्ट करता है hmm. और एक पुराना तरीकाकार ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा होता है और वो उसको बिलीव करता है कि यार मैं जिस तरह कर रहा हूँ वो सही है आज प्रैक्टिकली मशीन के ऊपर काफी रिलायंस होती है yeah. क्या जो मशीन कर रही है आप उसको फॉलो करें तो मेरा माइंड सेट इज इंपॉर्टेंट जब माइंड सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसके अंदर ग्लोबल और नो ग्लोबल डजेंट मैटर देन यू हैव यू आर डीलिंग विद योर ओन टैलेंट उसको जो है ना उसको पे उस पर काम करना वो एक मेन चैलेंज रहता है क्योंकि आपने जो चेंज मैनेजमेंट है उसको ड्राइव करना और आपने उनको कन्विंस करना है कि जो मेरे ख्याल जो सबसे बड़ा फियर होता है जब आप टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं और लोग क्यों रेजिस्ट करते हैं वो समझते हैं कि यार टेक्नोलॉजी इज हेट टू टेक माई जॉब और उसको रजिस्ट करते हैं और वो जानबूझ के हर्डल क्रिएट करते हैं बिकॉज उनको पता है कि अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो कल मेरी नौकरी चली जाएगी या मैं हो मेरे ख्याल में लोगों को ये चीज़ समझने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू ऑगमेंट द ह्यूमन एंड दैट्स वॉट आर नैरेटिव इन आ ऑर्गेनाइजेशन इज वेल कि यार हम टेक्नोलॉजी आपकी जॉब लेने के लिए लेकर आ रहे इट्स गोइंग टू ऑगमेंट

अब ये तो फिर अगर मल्टानेशनल में एक ये चैलेंज है जैसे कि उन्होंने बताया कि जी वो वो टर्निंग थिंग्स अराउंड या माइंडसेट चेंज करना सो तो पाकिस्तानी कंपनियों में तो ये चैलेंज और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाता होगा सो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस देयर नो डेफिनेटली बिकॉज पीपल मिक्स टू थिंग्स ऑप्टिमाइजेशन वर्सिज ट्रांसफॉर्मेशन राइट सो देर देर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दीज टू सो वंस यू गो इन पाकिस्तान द माइंड सेट टिपिकल माइंड सेट इज एज यू यूज वर्ड It's optimization. How can I optimize my operations? How can I save money? How can I do? Can mehre paisa bachayen kisi tarah efficiency mm -hmm. But wo optimization ki taraf right? Transformation requires a bigger courage because you are disrupting something. You are coming up with some business model which revolves around digital uh, things, and then you transform your operations accordingly. So, typically in Pakistan. Companies go towards the optimization. Very few mm -hmm. goes toward transformation, because what Amrit just said—that's rightly that transformation requires a different kind of a mindset, different kind of a courage, different kind of a risk parameters, different kind of a disruption. So it's a lot of other magnitude. So there are pros and cons. Mm -hmm. So, but in outside, now when we look, they don't—they are ready to transform, because. Uh, because they have done the optimization few years ago, right? Mm. So now they want to create uh, the competitiveness. That how we will maintain our competitive edge through digital disruption, right? Uh, because optimization will take have taken us from here to here, but now if we need to be competitive, with a lot of things changes, changing around us, and if we just try to keep optimizing it, right. we will miss the boat, mm. right? सो एज़ ए मैं इसी डिस्कशन को प्रजर आ गया लेकिन मिसिंग द बोट आई थिंक हम बहुत सारी चीज़ों में आई एम सॉरी टू आई नो आई वॉन्ट टू कीप द टोन पॉजिटिव एंड ऑल बट या देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ नेगेटिविटी और काफी सारे लोग ये कहते हैं कि लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव मिस द बोट एक्चुअली मैं आई टी सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करता हूँ आई थिंक वी गॉट इन टू दिस गेम प्री लेट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज यू आर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट देअ Uh, जब हम देख रहे थे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल बी कुछ नहीं हो रहा था कॉल सेंटर ही सिर्फ स्टार्ट कर दिया था एंड ऑल मैं जब प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की थी अबाउट द द अमेजिंग ग्रोथ एचल कंपनी एज सीन इन द पास्ट फोर ईयर्स मेरे खास ऑफ योर रेवन्यूज एंड ऑल वे वर वी लैकिंग अर्लियर बिकॉज पहला सवाल तो ये कि क्या ये मोमेंटम अभी भी चल बिकॉज देखिए पोलिटिक्स को आप अलग नहीं कर सकते मुझे जो अंदाज़ा हुआ वो ये कि जी पिछली गवर्नमेंट ने शायद कुछ आपको क्या चेंज के साथ like, एक चेंज जो नजर आया है hmm. जो वो ये है कि एवरीबडी टॉक एवरी वन अंडरस्टैंड के मैनुफैक्चरिंग लेर एक्सपोर्ट जो पुराने जमाने में चलती थी right. जिसको देर इज एंड टू इट एंड मैनुफेक्चरिंग लेर एक्सपोर्ट at best can give us 10% growth year on year, at best, yes. right? Probably this year might not happen because of whatever is happening yes. in global as amir started mm -hmm. with that. So, but services let export, like we have people, so we can send people also with IT or accounting services, any IT enabled services because remote work is now norm.

It's easy to do because you have it, right? So wo wo dusra kam, I think oh lacking a branding and marketing perception. because still if I go abroad and say I'm talking to a financial institution, mm -hmm. they have, they will not give me the work. They give, can give me the work, but it's they will always have double mind that Pakistan is in a red list yeah. is in an orange list of mm. risk so any risk or compliance department even I, you are, I, when I sell it to you yeah. they will come here yeah, Pakistan misses mm. let's have a diversification True. so that somebody has to work on that uh, that's why I started with economic narrative positive branding or marketing or यहाँ सर्विसेज का काम नहीं आएगा जो थर्ड थिंग है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज की रजीम है राइट बिकॉज इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो और जो भी किसी भी साइज़ की कंपनी हो उसको अगर एक्सपोर्ट करनी है तो उसको अपनी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है कैसे इन्वेस्ट करें जब आप डॉलर ही वापस ही नहीं ले जा सकते तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे मुझे कोई कंपनी छोटी कंपनियों के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो कहते हैं कि हम आ, हमें मिलियन डॉलर हो मेरे पास तो मैं जाके दुबई में ऑफिस खोलूँ so, चार बंदे हायर करूँ और मैं अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाऊँ तो वो उधर फंस गया मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं मैं जाके कोई बाहर से कम बाहर की कंपनी अक्वायर करूँ ताकि मेरी इनऑर्गेनिक ग्रोथ आए और मैं उसका काम पाकिस्तान लेके आऊँ एक्सपोर्ट right. बढ़ाऊँ अपनी right. क्योंकि हर चीज़ ऑर्गेनिक लिए में तो एक टाइम लगता है ना तो इनऑर्गेनिक के लिए अब वो मैं पैसे मेरे पास हैं भी तो मैं वो लेके कैसे जाऊँ तो वो अब अगर अगर आप गवर्नमेंट को अगर हम समझाते हैं कि यार उस टेक्सटाइल वाला भी तो पहले मशीनरी जो आमिर ने कहा ना पहले प्लांट लगाते yeah, हैं तो yeah, वो इम्पोर्ट yeah. करता है फिर एक्सपोर्ट करता है तो हमारे लिए तो यही है कि hmm. कुछ परसेंटेज ऑफ आर डॉलर्स वी कैन गेट दैट आउट क्योंकि हम तो हंड्रेड लेके आ रहे हैं तो उसमें से कुछ ले जाने दें तो हम अक्वायर करें और हम ग्रो करें तो हमें कोई सो so अब वो इंसेंटिव ही अब वो कुछ चॉइस ही नहीं है तो यू आर टाइट विथ ऑल दीज रिजीम्स राइट विच इज कैश ट्वेंटी टू राइट हाउ डू यू ग्रो इफ़ यू डोंट हैव इन्वेस्टमेंट इफ़ यू कॉन्ट इन्वेस्ट मेरे पास तो कोई ऐसा किसी के पास भी है कि बग़ैर इन्वेस्टमेंट के आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ और धंधा खोल लोसो आई थिंक आई थिंक ये जो फॉरेन एक्सचेंज वाली बात की है जा रहा है मुझे अंदाजा है पिछले कुछ सालों में इसमें कुछ ज्यादा आसानियां पैदा की गई लेकिन अब जो हम दोबारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वो जो हर चार साल आसानियां तो में कुछ भी नहीं हो पा एक छोटा सा बेनिफिट मिला था पिछली गवर्नमेंट के जस्ट अलाउड टू ऑल एक्सपोर्टर्स दैट दे यू गाइस कैन टेक लाइक 10% ऑफ 3 इयर्स एवरेज एक्सपोर्ट तो so, वो 5, 6 बनती है Sorry. एक्सपोर्ट का तो से क्या होगा? So right. अमर जो आ, इमेज की की पाकिस्तान की बात पाकिस्तान और वो जो रेड लिस्ट में और पाकिस्तान का अब दूसरी लेड इकोनॉमी जी पाकिस्तानी आ, जो है लेकिन एफ एम सी चीज तो नहीं, खरीद नहीं है ब्रांडेड स्टाफ एंड ऑल सो फॉर

सो नाओ ऑफ कोर्स द हेड ऑफिस एंड खाली हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज आई ऑल्सो इज अम्बर ऑफ ओवरसीज चैम्बर और ओवरसीज चेम्बर के ऊपर तक दो सौ आठ कंपनीज हैं सारी मल्टानेशनल्स हैं और करेंट फॉरक सिचुएशन है यू कॉन्ट एक्चुअली टेक द प्रॉफिट बैक सो ज़ाहरी बात है यार येस यू हैव ऑपरेशन बट दैन द डे जो प्रॉफिट कमाया है वो तो हमें बेसिकली अब रिमिट करेंगे बिकॉज हमने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ज़ाहिर बात है एक एक क्वेश्चन मार्क अब आना शुरू हो गया है uh, पहले डिविडेंड्स के ना प्रॉब्लम होती थी बट right. वो लैक के से uh, हो रहे होते थे आपके एक चल रही होती थी uh, इस तकरीम हॉल्ट हुई हुई है hmm. तो एक सिचुएशन uh, एक कंसर्निंग uh, है वरीसम सिचुएशन है एंड आई होप इन एबल टू गेट आउट दिस बिकॉज आपको एक अगर स्टेटिस्टिक्स दू आज खाली ओवरसीज चेम्बर की ये आ, जो दो सौ दस कंपनीज हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट वन थर्ड टू द गवर्नमेंट एक्सचे टैक्सेस ठीक तो टू वन थर्ड द टैक्स जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो ओवरसीज चेंबर से आता है hmm. पर हमारे हमें क्या प्रॉब्लम है हमें ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम है एक तरफ हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम है एक तरफ फिजिकल फिस्कल अच्छा, फंडिंग वन थर्ड वो यहाँ से हो, हो रही है ठीक आज आप डिविडेंड नहीं जाने दे रहे क्योंकि आप कह रहे हैं मेरे पास करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है Sorry. अगर बाहर हेड ऑफिस ने अगर पोजिशन ले ली यू नो कि नहीं यार वी डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट तो यहाँ पर आप जो टैक्स दे रहे हैं यहाँ पे वो फिजिकल डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा बिल्कुल

एक काफी बात होगी। देखिए मेरे ख्याल में दे 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 ये चीज़ हम क्लियर हैं पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। राइट। कंट्री होगी बिल्कुल तो बिजनेस होगा कंट्री नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा सो पाकिस्तान टेक्स द प्रेसिडेंस ओवर एनी अदर थे मेरे ख्याल में, में इसके ऊपर कोई दो राय है ही नहीं hmm. yeah. मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है

आई थिंक सो जो 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 कॉरपोरेशंस हैं वो गवर्नमेंट से मांग रही हैं कि यार आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिलैक्स करें right. और आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू दें जो शॉर्ट टर्म पेन है वो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे hmm. पहले भी किया है अब भी कर लेंगे बिकॉज द कंट्री कम्स फर्स्ट यार बट आई थिंक सो विजिबिलिटी अब मिलना जरूरी है भले छह महीने बाद ना मिले

ब्रांड I mean, की जो एक परसेप्शन में तब्दीली तो भी इट्स अ टर्म ना सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव जी मैं वो भी बताता हूँ जस्ट आई वांट टू ऐड वन थिंग व्हाट आमिर जस्ट सेड के अब hmm. दो साल से इनको अगर फर्ज करें प्रॉफिट ऐसी बहुत yeah. सारी मैंने सुनी एग्जाम्पल्स बिकॉज टेल एंड दे आर ऑल एवरी का इन्वेस्टमेंट है ना तो अब दो साल पहले डॉलर था फर्ज करें वन फोर्टी का yeah. उनका जो प्रॉफिट था yeah. तो वो डॉलर में तो अगर उस वक्त जाने देते तो उनको अब उन्होंने थर्टी परसेंट तो वैसे ही लॉस hmm. तो तो बेसिकली फॉर फॉरेन इन्वेस्टर दे थिंक यार आई एम मेकिंग मनी बट थर्टी परसेंट तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया डॉलर में जब ये मुझे भेजेगा तो तीस परसेंट कम पैसे मिलेंगे तो वो बड़ा ये डायलिमा है जो कि कोई एड्रेस पाकिस्तान का जो टेलको का सेक्टर है आई थिंक यू फाइबर ऑप्टिक्स से हमने थोड़ी देर पहले बात की yeah. पर आपके पास थ्री जी फोर जी के एडॉप्शन आप आज भी सिग्नल्स आप आज भी रोड पे बैठ के टीम्स so तो की कॉल करनी हो तो आपको तीन दफ़ा सोचते हैं यार ये तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन द बेसिक जो डिजिटल पाकिस्तान की जब बात करते हैं और टेलको कैसे इन्वेस्ट करें इस मुल्क में uh, क्योंकि उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इज़ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड इट इज़ लेस देन अ डॉलर अ मंथ हाउ कैन दे सर्वाइव with this inflationary pressure so telcos are now you must have heard the news they are yeah. exiting and wo nikal jate hain yeah. aur wo invest nahi karte to aapka digital jo infrastructure hi nahi hoga to digital pakistan kya hoga aur hum export kaise karenge aur uh, matlab how can the remote work happen wo मैं 6 लाख बच्चों की बात कर रहा हूँ वो कहाँ से gaon पे train honge उनके पास internet नहीं हो तो करेंगे क्या? so i think the, this is like just wanted to add like yeah. this is the real real problems sure. right sure. Uh,

एंगल्स डिफरेंट हो, हो रही होती हैं राइट सो सो वे फॉरवर्ड इज एग्जीक्यूशन टेक बेबी स्टेप्स लॉन्ग टर्म इज फाइन देखो कोई भी चीज शॉर्ट टर्म तो नहीं हो सकती आज से अब दस साल पहले ये शुरू किया होता था यूनिवर्सिटीज आईआईटी जैसी बनाई होती तो आज वहां से बच्चे निकल रहे होते हैं ब्रांडिंग मार्केटिंग से हमने दस साल पहले ये काम शुरू किया होता तो दस साल पहले ही यहाँ होते लेकिन अगर हम यही सोच के नहीं शुरू ही नहीं करेंगे जो अच्छी चीजें हैं वो करेंगे ही नहीं तो फिर तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म आएगा ही नहीं so short-term hmm. no solution short-term is as i said like exploit what you have right. and we have enough mm -hmm. to exploit right now for exploring you need to think beyond short-term and that requires an investment that requires a change in mindset that requires a politics and economic separation that requires a long-term thought process policies all of these things and the last thing I would like to say from young generation or young people that who really wants to do something, there is every field is, is great. But even if you are a BCom or BA or BSc mm -hmm. or mm -hmm. BCS or whatever degree you have, now IT field is such that it doesn't require even computer science graduates. Yeah. Uh, you can really learn and up mbo, bbo, to up, because the sazar option, hai, aap erp concept, is every field converged to digital, right, mm -hmm. whichever domain you graduated even. so you don't need to have, because it's only thing what is required, which is, of course, creative thinking, analytical capabilities, some sort of communication skills, and if you have an attitude to learn, right. because now with the low-code and no-code platforms, we really don't need to learn all these deep uh, hardwares and infrastructures and all of these things. So my just two cents that they really need to, whoever are the freelancers, right. they need to upskill themselves. Mm. Who, if government is not helping, take online courses from Coursera, right. wherever. So much just resources. invest in your yeah. skill set, upskill, reskill yourself. Even if nobody is paying attention, mm. do for yourself. Be in charge of your own career instead of outsourcing it to someone else, yeah. and come into this field because there is a demand. Right. There is a humongous demand uh, globally, right. and there is a scarcity. And there are population challenges in Japan to China. They don't have; they have aged populations, yes. so they will look at the countries like Pakistan because they need people to do digital transformation. Is not going to stop.

हमें माजी से निकलने की जरूरत है hmm. हम आधा टाइम तो हम पास्ट की बातें कर रहे होते हैं हम माजी के अंदर फंसे हुए हैं uh, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लॉस लूज कर चुके हैं ठीक है बोट अच्छा टू लेट एज एन ऑप्टोमिस्ट आई बिलीव मगर हमें ये माजी से निकलना पड़ेगा एज ए नेशन हमारा सारा पोलिटिकल के अंदर फंसा हुआ है ठीक है हमारा सारा इकोनॉमिक नैरेटिव माजी के अंदर फंसा हुआ है कि उन्होंने ये किया से हम यहां पर आ गए या उन्होंने किया तो हम यहाँ पर आ गए हमें फ्यूचर के अंदर जाने की ज़रूरत है फॉरगेट द पास्ट जो हो गया सो हो गया आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते इट्स अ लॉस्ट टाइम द फ्यूचर इज़ सो ब्राइट फॉर द नेशन फॉर द दिटीजन्स फॉर द इंडिविजुअल्स हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है और मैं बहुत ऑप्ट मिस्टेकूँ कि अगर ये जो हम टाइम uh, लगाते हैं Uh, माजी की बातें uh, हम अगर ये फ्यूचर पे लगाना शुरू कर दें सारा टाइम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें uh, तो मेरे ख्याल में तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्वेबल हैं uh, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की मेरा चाइना एज अ ग्रेट एग्जाम्पल दे डी कपल्ड पॉलिटिक्स विद इकनॉमिक्स हमें डी कपलिंग yeah. so, करने की ज़रूरत है हम हर चीज़ को हमने क्या किया हमने रिलीजन को हमने इकनॉमिक्स को हमने पॉलिटिक्स को हमने सबको exactly. मिला के रख दिया हमें सबको डी कपल करने की जरूरत है काद आजम ने बहुत पहले कर, कह दिया था कि पॉलिटिक्स को आप डी कपल कर रखे फ्राम य रिलीजन यू कांट है हमने तो तीनों चीज़ें मिला दी Welcome. मैं हमें डीकपल करने की जरूरत है हमें पास से निकलने की जरूरत है हमें फ्यूचर में जाने की जरूरत है और फिर जाहिर बात है कुछ टफ करेजियस बोल्ड स्ट्रक्चरल डिसीजन हमें लेने की जरूरत है एंड आई थिंक सो वी आर रेडी टू गो थ्रू दिस यू नो शॉर्ट टर्म पेम वी हैव इन द पास्ट एंड वी विल इनशाला

ऑर्गेनाइजेशन की हो रही हो या किसी इंडिविजुअल की हो रही हो मेरी और आपकी बात हो रही हो माजी को भूलें मुस्तकबिल को देखें सो देट इज़ द एंड ऑफ दिस वंडरफुल डिस्कशन दैट आई हैड विद दीज टू ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स ना सिर्फ मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका था ये सीखने का प्रटी शोर उन जिन जिन सब लोगों ने यह हमारी पॉडकास्ट देखी होगी उन्होंने इसको इन्जॉय भी किया होगा वे बीन ग्रेट लर्निंग आसिफ थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम आमिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वंस अगेन इनशाला फ्लोकास्ट प्रेजेंटेड बाय सेल्स फ्लो की अगली एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस